आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू ड्रॉ आइस के बारे में। तो जब हम लोग स्कूल में थे तो हम सभी ने आइस का एक डायग्राम हम लोगों ने सभी ने बनाया है, वो जो कुछ इस तरीके का लगता था, जो कि कुछ इस तरीके का हम लोग बनाते थे। और यहाँ पे तो कुछ इस तरीके का हमारा वो डायग्राम होता था आपका, और ज़्यादा डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे अभी। तो इससे हमें एक चीज़ तो मालूम हो गई उसी टाइम से कि आँख जो है वो पूरा एक स्फीयर होता है, एक सर्कल होता है, और इस स्फीयर को आपको बाद में इन चीज़ों के साथ कवर अप करना पड़ता है। मान लीजिए कुछ इस तरीके से हमारी जो आँख है वो कवर हो जाती है बाद में, जो फ्लैश होता है, जो स्किन होती है उससे। और ये यहाँ पे कुछ इस तरीके से आ जाएगी। तो ये सिंपल तरीका हो गया कि आँख हमारी कैसे होती है। तो कुछ इस तरीके से हमारी जो आई का सिंपल एक डायग्राम हमें मिल जाता है। तो अब हमें ये तो समझ में आ गया कि स्फीयर होती है हमारी आँख। अब इसके बाद हम लोग इसको और थोड़ा सिंपलीफाई करके समझते हैं। देखिए, एक स्फीयर मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ। एक स्फीयर में अब मैं यहाँ पर एक सेंटर में एक और सर्कल ड्रॉ करता हूँ, और फिर उसके सेंटर में एक और सर्कल ड्रॉ करता हूँ। तो कुल टोटल हमारे पास एक आँख में तीन सर्कल होते हैं, जिसमें से ये होता है हमारा प्यूपिल, ये होता है हमारा आयरिस, इसको मैं हल्का सा डार्क कर देता हूँ, और ये है हमारा जो वाइट एरिया जो बचता है वो। अब ये इस तरीके का फ्लैट नहीं होता है जैसे यहां पर दिख रहा है, ये इस तरीके से राउंड होता है। मैं अगर इसको हल्का सा शेड कर देता हूं तो आपको उसका आइडिया हो जाएगा मैं किस चीज की बात कर रहा हूं। और मैं यहाँ पे थोड़ा सा शेडिंग भी दिखा देता हूँ, इसके शेडो भी दिखा देता हूँ। तो कुछ इस तरीके से ये जो आँख का हमारा अंदर का पोर्शन हम देख रहे हैं। और फिर क्या होता है, ये प्यूपिल जो है ये हमारा ये मूव करता रहता है। जब हम साइड में देखते हैं तो इधर जाता है, यहाँ पे आ जाएगा, और इस साइड देखते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा, और फिर हम लोग ऊपर की साइड देखते हैं तो ये यहाँ पे आ जाएगा, और थोड़ा नीचे देखते हैं तो ये यहाँ पे आ जाएगा। और इस तरीके से ये मूव करता है चारों तरफ, और ये हमारा जो स्फीयर है ये गोल है, यानी कि ये इस तरीके से है, इसको आप समझ सकते हैं। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक स्फीयर ड्रॉ किया, और फिर उसके बाद हम लोग इसको कुछ इस तरीके से ले सकते हैं। ये मैंने एक क्रॉस सेक्शन यहाँ पर एक बन गया। अब यहाँ पर जब हमारा जो प्यूपिल हम लोग ड्रॉ करेंगे वो भी इसी तरीके से इसी शेप में आएगा। वो ऐसा नहीं होगा कि आपने इस तरीके से ड्रॉ किया और फिर यहाँ पे पूरा एक सर्कल बना दिया, नहीं, वो अच्छा नहीं लगेगा, वो आपको पर्सपेक्टिव नहीं देगा, वो आपको एक फॉर्म क्रिएट नहीं होगी उसके अंदर। तो हमें इसको भी उसी शेप में रखना है। और इसका बहुत एक आसान तरीका है, मान लीजिए ये यहाँ पर इंटरसेक्शन हो रहा है, तो यहाँ पर ये पूरा गोल है, और ये साइड में इंटरसेक्शन हो रहा है तो यहाँ पे ये हल्का सा हमारा बेंड हो जाता है, इलिप्स की फॉर्म में आ जाता है। और फिर हम लोग इसको और सेंटर में, ये हमारा आयरिस, और इसको मैं थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ, ये मेरा लाइट पार्ट यहाँ पर छोड़ देता हूँ, और इसको हल्का सा और शेड कर देता हूँ, और इसके नीचे मैं हल्की सी शेडो भी आपको दिखा देता हूँ। और ये जो हमारा पोर्शन है, ये वाइट जो पोर्शन है ये कंप्लीट वाइट नहीं होता है कभी भी, ये इनेमल कलर का होता है, यानी कि जिस कलर के हमारे टीथ होते हैं एक्चुअल उस कलर का होता है। जो लाइटेस्ट, सबसे लाइटेस्ट जो पार्ट होता है हमारा आँख में, वो सिर्फ होती है रिफ्लेक्शन। और वो रिफ्लेक्शन भी किस तरीके से नज़र आता है, टीयर्स रहते हैं, पानी कुछ किसी तरीके का रहता है और वो रिफ्लेक्ट करता है, और जिस रिफ्लेक्शन से हमें हाईलाइट मिलती है वो सबसे ज़्यादा वाइट होती है। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब अगर आप पूरी जो आँख का ये एरिया भी है, मान लीजिए ये साइड का एरिया है, यहाँ का ये एरिया है मान लीजिए, इसको अगर आप पूरा वाइट छोड़ देते हैं तो वो
आपकी उसमें डायमेंशन क्रिएट नहीं करता है, कि वो फॉर्म यहाँ पर क्रिएट नहीं करता है इस तरीके की जो हम लोग ये फॉर्म देख रहे हैं यहाँ से, मान लीजिए ये और ये इस तरीके से, तो वो वहाँ पर डायमेंशन उसके अंदर क्रिएट नहीं हो पाती है। और इस तरीके की बॉल बनाने की प्रैक्टिस आप कुछ इस तरीके से भी कर सकते हैं, आप सिंपल बिना शेडिंग के भी आप बना लीजिए, और ये करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ताकि आप हर मूवमेंट को समझ पाएँ, जो भी प्यूपिल की मूवमेंट है उसको आप समझ पाएँ। ये एक्चुअल में होता क्या है कि जो हमारा प्यूपिल है, मान लीजिए ये हमारा एक, इसमें एक पुली जुड़ी हुई है, इससे मैं इसको सीधा लेके आता हूँ यहाँ से, तो ये गोल गोल घूमती है, ये डायरेक्शन में गोल गोल घूमती है ऊपर नीचे की साइड, और उसी मोमेंट से हम लोग ऊपर नीचे आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं देख पाते हैं। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये देखिए, और ज़्यादा टाइम इसमें लगता नहीं है आपको, सिर्फ मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि आप स्फीयर बनाने की प्रैक्टिस कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ड्राइंग में। चलिए अब हम लोग समझ लेते हैं कि जो हमारा आई सॉकेट होता है उसमें आँख जो है वो फिट किस तरीके से होती है। देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने नोज़ तो ड्रॉ की हुई है, लेकिन जो आइज़ हैं उनका मैंने सिर्फ एक स्फीयर ड्रॉ करके यहाँ पर छोड़ा हुआ है आपको दिखाने के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक लाइन इंडिकेट की हुई है, जिससे हमें पता चल रहा है यहाँ पर एक 3D फॉर्म है। एक स्फीयर, ये एक आई का स्फीयर हो गया, उसके बाद हम लोग थोड़ा दूर चले, एक आई का स्फीयर हो गया, और इनके बीच में डिफरेंस भी जो होता है वो एक स्फीयर का ही है पूरा जाता है। देखिए ये कुछ इस तरीके का, यहाँ पर एक कैविटी होती है हमारी, जिसके अंदर हम लोग, हमारी जो आँख है वो फिट होती है। आपने कभी ऑब्जर्व किया हो, जो स्कल होता है उसमें इस तरीके की कैविटी होती है, जिसमें हमारी आँख जो होती है वो फिट होती है। तो इस कैविटी में जब हम आँख को फिट कर रहे होते हैं तो वो पूरा स्फीयर होता है। और ये तो मैंने सिर्फ आपको इंडिकेशन देने के लिए बनाया है, इसमें और भी काफ़ी सारे डिटेल पार्ट्स होते हैं। यहाँ पर नीचे अगर मैं आता हूँ, मान लीजिए इस तरीके से, और फिर इसके ऊपर जो हमारा आईब्रो का पार्ट होता है वो फिर इस साइड जाएगा, और फिर इसके यहाँ से अगर हम लोग आते हैं तो ये हमारी चीक बोन आ जाती है यहाँ पर, जो कि कुछ इस तरीके से नीचे चली जाएगी। तो इसको मैं रखते हैं, ज़्यादा इतनी ज़्यादा डीप एनाटॉमी में हम लोग नहीं जाते हैं, इसको हम लोग फ़िलहाल के लिए इतना ही रखते हैं। तो यहाँ पर आपने देख लिया कि बॉल जो होती है, ये हमारी जो बॉल ही, मैं इसको बोल रहा हूँ बार बार, तो जो हमारी आई बॉल होती है वो किस तरीके से एक सॉकेट में फिट होती है यहाँ पर। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसको डिटेल में ड्रॉ कैसे करना है। अब देखिए क्या होता है कि बहुत सारे लोग कुछ इस तरीके से आँख ड्रॉ करते हैं, या तो आपको इस तरीके से ड्रॉ नहीं करना है, ये बस इस तरीके से सोचते हैं कि बस आँख बन गई। नहीं, आँख में कई सारे पार्ट होते हैं, वो एक 3D पार्ट होता है, एक 3D होती है आइज़। देखिए मैं इसमें आपको थोड़ा सा बताता हूँ, अगर मैं यहाँ से चलता हूँ, ये पार्ट हो गया, ये पार्ट हो गया, ये हो गया, और फिर ये हो गया, देन ये इस तरीके से आया, देन ये यहाँ पर आया, और फिर ये इस तरीके से आया। तो ये काफ़ी हमें फॉर्म दिखानी पड़ती है आँख के अंदर। तो अब हम लोग यहाँ पर, एक मैंने ऑलरेडी ड्रॉ की हुई है, तो अब हम लोग एक यहाँ पर ड्रॉ करके देखते हैं। मैं अपना मोबाइल ले आता हूँ। सो ये मैंने इरफान साहब की पिक्चर यहाँ पर ली है, और इसलिए मैंने यहाँ पर ली है क्योंकि इनकी आँखें जो है वो, इनमें आप ऑलरेडी गोलाई देख सकते हैं, आप देख पाएंगे कि एक सर्कल आपको यहाँ पर ऑलरेडी नज़र आ रहा है कुछ इस तरीके का, जो स्फीयर है वो ऑलरेडी इनकी आँखों में ये चीज़ फील हो रही है कि वो राउंडनेस है उसके अंदर। ये इसको हम लोग यहाँ पर रखते हैं, और अब हम लोग अपनी ड्राइंग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से मैं पहले ये वाली चीज़ यहाँ पर ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। पहले हम लोग थोड़ा सा इसका मेजरमेंट ले लेते हैं कि कितना बड़ा हमारा स्फीयर है। सो कुछ करीब यहाँ से हमारा स्फीयर जो है वो स्टार्ट होगा। सो ये मैंने अपना स्फीयर यहाँ पर ले लिया, मुझे ये थोड़ा ज़्यादा गैप लग रहा है यहाँ पर, तो मैं इसको हल्का सा इस साइड कर लेता हूँ। हाँ, अब थोड़ा ठीक है। तो मैंने यहाँ पर ये स्फीयर ड्रॉ कर लिया। अब इसके बाद आपको इसकी सेंटर लाइन देख लेनी है। सो सेंटर लाइन देखने के बाद अब मैं यहाँ पर जो आई ड्रॉ कर रहा हूँ उसके अंदर यहाँ से जो वो कुछ इस तरीके से बैग आ रहा है, इसको मैं यहाँ पे एक और लाइन इंटरसेक्ट करके मैं यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ। अब सबसे पहले हम लोग इसके टीयर ड्रॉप से स्टार्ट करते हैं। टीयर ड्रॉप क्या होता है, जहाँ पर हमारी ये पोर्शन होता है, ये वाला पोर्शन,
तो अब यहाँ पे इसमें टीयर ड्रॉप इतना ज़्यादा कुछ इसमें विजिबल है नहीं, लेकिन मैं अपनी समझ से यहाँ पर इसको ड्रॉ कर लेता हूँ। तो कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पर हल्का सा टीयर ड्रॉप ड्रॉ कर लिया, और उसके बाद में आई के अकॉर्डिंग अब जब हम लोग एक यहाँ पर स्पीड ड्रॉ कर लेते हैं तो उससे हमें एक आसानी हो जाती है चीज़ों को रैप करने में। अब क्या करना है मुझे, इस स्फीयर के अराउंड इस चीज़ को रैप करना है, रैप, और फिर नीचे से भी मुझे सेम चीज़ करनी है। लेकिन यहाँ पे ये इस तरीके से आते ही और ये निकल के आ रही है नीचे की साइड, और फिर यहाँ आके ये लाइन इस तरीके से जा रही है और दूसरी लाइन यहाँ पे मीट करती है, और इसको हम लोग यहाँ से ये, और फिर यहाँ से ही मैं हल्का सा बेंड करके ये इसमें टीयर ड्रॉप जो वो काफ़ी बड़ा है इस वाली आँख में, और वो कुछ इस तरीके से आ रहा है। और अब इसके ऊपर एक और बेंड आ रहा है यहाँ पे, वो भी हम लोग ले लेते हैं, ये वाली चीज़ जो यहाँ पर है। और लास्ट में जब हम लोग आँख को यहाँ पर मीट करवाते हैं तो यहाँ से हमें इसको बाहर की तरफ लेके जाना है, ये बेंड हो रही होती है क्योंकि एक फोम है, मतलब कि इसमें इस तरीके का हमें फोम दिखानी है कि भाई वो 3D है थोड़ा सा, तो ये बाहर की तरफ जाता है, ये मास है, मतलब इसकी एक मोटाई है उस चीज़ में जो इसके ऊपर हमारी स्किन जो लगी हुई है इस बोल के ऊपर, उसमें थोड़ी विड्थ है, एक मोटाई है, तो उसको हमें ध्यान में रखना है। और ये कुछ इस तरीके से फिर वापस से आँख पे रैप हो रहा है, और उसके बाद यहाँ पे एक कैविटी बच जाती है क्योंकि ये हमारी राउंडनेस है, तो ये राउंडनेस तो कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पे फिर हमारा एक कैविटी वाला एरिया आ जाता है, ये कुछ इस तरीके से, बाकी तो हमारा नोज़ की लाइन आ जाएगी फिर यहाँ पे। मैं इसको हल्का सा यहाँ से एक बार आपको ये हम लोग यहाँ से आए, ये कुछ इस तरीके से जाएगा, हाँ ठीक है। सो ये कुछ इस तरीके से हमारा मामला यहाँ पर जाएगा। तो अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हम लोग नीचे की साइड आते हैं और इसका आई बैग ड्रॉ करना है, ये आई बैग। अब इरफान साहब की आंखों में क्या केस है कि इनमें ये काफ़ी हैवी है, ये वाला जो पोर्शन है ये काफ़ी हैवी है, और ये ऑलमोस्ट पूरी बोल को कवर करके भी थोड़ा सा नीचे तक है, मतलब कि पूरा एक राउंड बोल आप यहाँ पर फील कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर भी आता हूँ, सो इसको हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, और फिर यहाँ पे फेड हो जाता है थोड़ा सा, लेकिन यहाँ पे मैं इसको पूरा फोम क्रिएट करके ड्रॉ कर लेता हूँ, और फिर हम लोग यहाँ पे आते हैं। उसके बाद जब हमारा ये स्फीयर कंप्लीट हो रहा है तो इसके ऊपर इनकी जो ये वाली बोन है, ये देखिए मैंने यहाँ पर ड्रॉ की थी, तो ये इनकी जो बोन है ये थोड़ी सी आँख को कवर कर रही है, इसलिए इनके आईब्रो जो बहुत नज़दीक हैं इन इसमें काफ़ी गैप नहीं है, जबकि आप देख पाएंगे कि बहुत सारे लोगों के जो आईब्रो और यहाँ पे इस चीज़ में काफ़ी गैप होता है, लेकिन इसमें इरफान साहब की आंखों में इतना गैप नहीं है। यहाँ पे जैसे मैंने ये ड्रॉ करके दिखाया था आपको, तो ये आईब्रो की जो बोन है हमारी ऊपर की साइड की, वो उसको रैप कर रही है वहाँ पे, तो इसको हम लोग यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं, ये हल्का सा ये चीज़ बस, और बाकी तो पीछे से ये इस तरीके से कवर कर रहा है, इसको हम लोग बाद में संभाल लेंगे। ये आईब्रो को हम लोग अभी के लिए छोड़ देते हैं क्योंकि वो इस तरीके से आ रही है। सो अब इतनी चीज़ हो जाने के बाद हमारे पास एक रोड मैप हमें यहाँ पर मिल गया है कि आँख किस तरीके की है वो। अभी हम लोग इसका जो मेन पार्ट है यानी कि प्यूपिल, वो ड्रॉ कर लेते हैं। सो प्यूपिल भी मैं यहाँ पर पूरा सर्कल ड्रॉ करूँगा, और ये क्योंकि साइड में है तो ये पूरा बिल्कुल, ये मैंने पहले सर्कल का माप लिया, उसके बाद यहाँ पर मैं इसका सेंटर ले लेता हूँ, और सेंटर लेने के बाद मैं यहाँ पर इसको ड्रॉ करता हूँ पूरा। तो ये पूरा मैंने क्लीन ड्रॉ कर लिया, आप देख सकते हैं थोड़ा ऊपर तक भी मैंने ड्रॉ किया, मैंने बिल्कुल उसको कम्प्लीटली नहीं लिया है उसके अंदर, और ये हमारा प्यूपिल जो है वो बन गया। अब इसके अंदर जो है वो आयरिस हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, और वो भी थोड़ा सा इसी शेप में होगा। सो अब हमारे पास एक इमेज यहाँ पर आई की, हमारे पास एक डायग्राम तरह का बन गया है,
थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है समझने में, लेकिन अगर आप इसको वीडियो को एक दो बार देख लेंगे तो आपको सारी कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगी बहुत हद तक। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास कुछ फॉर्म्स क्रिएट हो गई है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से मैं आता हूँ और फिर ये लाइन, और फिर ये प्यूपिल के ऊपर से मैं आता हूँ, और फिर ये लाइन, और फिर यहाँ से मैं आता हूँ, और फिर इस तरीके से। तो एक फॉर्म हमारे पास क्रिएट हो गई यहाँ पे आँख के अंदर, जो मैंने आपको यहाँ पर बताया था। अब हम लोग इसको थोड़ा और रिफाइन कर लेते हैं, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। चलिए मैं यहाँ पर इसको बाहर तो निकलना ही है यहाँ से, सो मैं इसको रिफाइन कर देता हूँ थोड़ा, कुछ इस तरीके से। अब रिफाइन करते हुए जो भी एक दो आपको मिस्टेक लग रही है वो आप वहाँ से ठीक कर सकते हैं। अब मुझे ये लाइन जो वो थोड़ी ज़्यादा ऊपर लग रही है, इसको मैं यहीं पर रहने देता हूँ। और यहाँ से हम लोग अब इनकी आँखों में ये जो चीज़ है ना, ये थोड़ी ज़्यादा है एक नॉर्मल इंसान से, तो यहाँ पे मैं एक पुल यहाँ पे क्रिएट करता हूँ कुछ इस तरीके से। और फिर यहाँ पे मुझे यहाँ पर लाइन इस तरीके से बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैं उसको शेडिंग में कवर कर दूंगा। और फिर हमारा एक पूरा ये प्यूपिल, इसको हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं और हल्की सी यहाँ पर एक हाइलाइटेड पोर्शन, देन हम लोग इसको पूरा कवर कर देते हैं। तो अब धीरे धीरे हमारे पास वो आँख जो है वो निकल के आने लगी है, और इसको मैं हल्का सा और शेडिंग कर देता हूँ इसके अंदर। और इस पोर्शन में थोड़ा ज़्यादा शेड होगा क्योंकि ये पोर्शन हमारा थोड़ा डार्क जा रहा है। और सेम यहाँ पर हम लोग करते हैं, और ये जो हमारा टी ड्रॉप एरिया है इसमें पूरा कंप्लीट तरीके से डार्क है, और फिर यहाँ से भी हमारा एरिया पूरा ऑलमोस्ट डार्क है। इसके बाद हम लोग आईब्रो पे थोड़ा सा आ जाते हैं, और ये एरिया भी हमारा डार्क है। उसके बाद ये, और यहाँ पे ये जो डार्कनेस है ये इतनी ज़्यादा इसमें नहीं है, लेकिन मैंने आपको एक फॉर्म दिखाने के लिए यहाँ पे डार्क किया है ताकि आप समझ जाएं कि यहाँ पे ये डार्कनेस है, ये लाइन है। अदरवाइज़ यहाँ पे जो एक्चुअल इमेज है उसके अंदर इतनी ज़्यादा लाइट, इतनी ज़्यादा डार्क नहीं है वो। अब यहाँ से इसको मैं थोड़ी और फॉर्म क्रिएट कर देता हूँ, और उसके बाद ये आईब्रो का पार्ट, और ये आईब्रो में भी इतना ज़्यादा यहाँ से बस करने के बाद, बाकी तो फिर आप हल्के हाथ से शेड उसको कर सकते हैं। तो भी इतना पोर्शन हमारे पास रेडी हुआ है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं लेता हूँ ब्लेंडिंग स्टंप। ब्लेंडिंग स्टंप लेने के बाद मैं इसको पूरा एक बार समझ कर देता हूँ ताकि हमारे पास एक सॉफ्ट पिक्चर हमारे सामने आ जाए जो हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं उसकी। उसके बाद हम लोग उसको दोबारा से रिफाइन कर सकते हैं। सो ये मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर देता हूँ, कवर कर दिया। ओके, सो अब आप देख सकते हैं कि जो आँख है उसकी हल्की सी डायमेंशन जो है वो हमें नज़र आ रही है, हालांकि इतना ज़्यादा अभी इसमें डेप्थ नहीं लग रही है जितना इसके अंदर लग रही है। इसमें इतनी ज़्यादा डेप्थ अभी लग नहीं रही है, हम इसको दोबारा से रिफाइन करेंगे, डार्क करेंगे हल्का सा, तो इसमें और ज़्यादा डेप्थ जो है वो आ जाएगी। और ये वाली लाइन मैं थोड़ा सा यहाँ पे मीट करवा देता हूँ इसको, क्योंकि ये यहाँ पे ऑलमोस्ट इस तरीके से आ रही है, इतना ज़्यादा उसमें एक डार्कनेस नहीं है, वो बिल्कुल यहाँ से उठी हुई है। वो मैंने आपको दिखाने के लिए टीयर ड्रॉप वहाँ पर बना दिया था। तो अब मैं इसको एक बार हल्का सा दोबारा से रिफाइन कर देता हूँ। हम लोग इसको अब दोबारा से एक बार रिफाइन कर लेते हैं और कुछ इस तरीके से। ये और देन यहाँ से ये लाइन, और फिर ये हमारा टीयर ड्रॉप, और फिर यहाँ से ये ऊपर की साइड जा रहा है जो हमारी एक्चुअल इमेज है उसके अंदर, देन यहाँ पर मीट हो रहा है।
और फिर हमारी यहाँ पर नीचे एक लाइन है, और उसके बाद ये जो लाइन है ये मुझे एक्चुअल में नज़र आ नहीं रही है, लेकिन मैं अपनी समझ से उसको थोड़ा सा कर देता हूँ। वो कुछ इस तरीके से जाती है, तो ये कुछ इस तरीके से जाती है कि फोम हमें दिखानी है, इसलिए मैं यहाँ पर आइडिया लगा रहा हूँ। और फिर ये यहाँ से ही निकल के आती है ऐसे, ये लाइन, और इसके साथ ही ये नीचे से डार्क हो जाती है। और फिर मैं इसको भी डार्क कर देता हूँ थोड़ा सा, नीचे से हल्का सा और डार्क कर देते हैं इसको। और फिर ये लाइन ऊपर की साइड से हम लोग इसको थोड़ा सा और डायमेंशन देने के लिए मैं यहाँ पर हल्का सा और इसको डार्क कर देता हूँ। तो हमारे पास ये लाइन कुछ इस तरीके की रेडी हो जाती है, और फिर यहाँ से हमारा आईब्रो स्टार्ट हो जाता है। और इसको मैं ज़्यादा डिफाइन नहीं करूँगा। तो कुछ इस तरीके का हमारे पास डायग्राम जो है वो रेडी हो गया, डायग्राम नहीं सॉरी ड्राइंग हमारे पास रेडी हो गई। वापस ब्लेंडिंग स्टंप लेते हैं और हल्की सी यहाँ पे मैं इसमें एक एजेस थोड़े से स्मूथ कर देता हूँ, ताकि वो एक राउंडनेस वहाँ पर क्रिएट हो जाए। हालांकि इसमें थोड़ा सा ये यहाँ पर हल्की सी डेप्थ है, और मेरी आवाज़ शायद कई बार आपको लगेगा कि बहुत स्लो बोल रहा है, तो उस चीज़ के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। क्योंकि जब ड्राइंग बनाने लगते हैं तो थोड़ा बोलना और ड्राइंग बनाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट काम हो जाता है, तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। और यहाँ पर हम लोग अभी इसको कंप्लीट कर देते हैं ऑलमोस्ट। सो ड्राइंग हमारी मोस्टली यहाँ पर कंप्लीट है। अब आप चाहें तो इसमें आप इरेजर के साथ इसको और ज़्यादा रिफाइन कर सकते हैं। देखिए, अब मैंने यहाँ पर आपको एक आइडिया दिया है कि जो आइज़ हमारी होती हैं वो किस तरीके से हम लोग ड्रॉ करते हैं। सो उसका आइडिया हमें यहाँ पर हो गया। सो ये था हमारा आइज़ ड्रॉ करने का तरीका। सो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी पेंटिंग। आपने मुझे इतना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।